टी एक्स क्यूएल आर एक्स क्यूएल जो भी हो हाँ आप सब कुछ पढ़ रहे हैं डाटा रिलेटेड तो डाटा आपको पता होना चाहिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए बिगिनर स्टूडेंट तो डाटा बेसिकली हमारे पास कौन सा फॉर्मेट में होता है बेसिकली के बी एंड बी बी एम बी जी बी टी बी का फॉर्मेट होता है एंड डाटा जो होता है वो सब फॉर्मेट में होता है जो फॉर्मेट में हम डाटा किधर स्टोर करता है डाटा मीन्स बहुत सारा कुण, सब कुछ डाटा हो सकता है एक्चुअली आपका डेट ऑफ बर्थ हो इमेज हो वीडियो जो भी हो देख रहे हो फोटो हो इंस्टा का रील्स हो आपका फेसबुक फेसबुक का जो भी फोटो हो वो फेसबुक के लिए डाटा है आपका भी आपके लिए भी डाटा है डाटा कुछ भी हो सकता है तो आप डाटा जिसमें स्टोर कर रहे हो डाटा जिसमें पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क में कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल लैपटॉप में स्टोर कर रहे हो फेसबुक में स्टोर कर रहे हो फेसबुक में जो भी जिधर भी डाटा स्टोर कर रहे हो डेटाबेस database. Database आप कोई भी यूज कर सकते हो जैसे गूगल उसका यूज करता है, उसका स्टोरेज यूज कर रहे हो आपका आप डाटा रखने के लिए आप एक छोटा सा पेनड्राइव यूज कर रहे हो मैं डाटा रखने के लिए मैं मेरा पास एक बड़ा फॉर्मेट में डाटा है जीबी का फॉर्मेट में डाटा है तो मैं हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ आपका पास केबी एंड एम बी एंड बीबी का फॉर्मेट में डाटा है तो आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो तो फेसबुक के पास टेराबाइट टेराबाइट डाटा है तो वो बहुत बड़ा डाटा बेस यूज कर रहा है तो दैट्स कॉल्ड डाटा बेस ओनली डाटा बेस इजी है स्टोरेज सिस्टम दैट हैज कलेक्शन ऑफ अ डाटा जो आपका पास है मेरा पास में है फेसबुक एंड गूगल कंपनी उनका पास भी है तो वो सेम डाटाबेस यूज कर रहे हैं बड़े बट वो बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से डाटा यूज कर रहा है इसीलिए बड़े स्टोरेज उनके पास कैपेसिटी है बट सब लोग डाटा बेस ही यूज करते हैं इसके पास ही डाटा है उन लोग डाटा डेफिनेटली डाटा बेस यूज कर रहे होंगे यू सपोज टू नो दैट तो डाटा बेस डिफरेंट डिफरेंट का स्ट्रक्चर में होता है डाटाबेस बोल देता हूँ जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डाटा थ्री टाइप का होता है स्ट्रक्चर डाटा एक ऑन स्ट्रक्चर डाटा होता है एक सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है वो आके मैं वीडियो बनाऊंगा जो हम एक्सक्ल पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाटा होता है डाटा फॉर्म होता है टेबुल एंड फॉर्मेट में थ्रू होता है डाटा मैं आपको दिखाया हूँ जो भी डाटा हमने इधर पढ़ा है डाटा डाटा जो भी हम इधर पढ़ा है एग्जीक्यूट करूंगा वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट डाटा है एक टेबल के फॉर्मेट में डाटा है कलम के फॉर्म वो कलम है जैसे हमारा आप वो कलम है वो कलम है सब वो फॉर्म है वो सब फॉर्म के हिसाब से डाटा स्टोर होता है तो दैट्स कॉल हम एक्सपीएल में डाटा स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टडी करेंगे तो डाटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा तो उसमें थ्रो हमारा बेनिफिट क्या है सो दैट वी कैन एज इजिली रीट रिट्राइव द डाटा मैनेज अपडेट इजिली इट इज मेंटेनेंस टू इजी सो दैट्स में वेरी इजी टू मेंटेन द डाटा ऑल द थिंग्स फॉर एक्सक्ल एडमिनिस्ट्रेटर डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर वेरी इजी टू मेंटेन द डाटा एंड अपडेट द डाटा रीनेम डाटा एंड वेरी इजी टू रेड्राइव ओके सो दिस इज द डाटा बेस डाटा स्टोर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन थिंक डाटा बेस हम स्टोरेज कर रहे हैं हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में जो भी है वो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में लैपटॉप का हार्ड डिस्क में कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में वो दैट्स कॉल्ड डाटा दैट्स कॉल डाटा बेस डाटा बेस में डाटा बेस में हम क्या क्या स्टोर करते हैं कलेक्शन ऑफ छोटा छोटा अमाउंट पे डाटा जो है वीडियो म्यूजिक हमारा फोटो होता है रील्स होता है वही स्टोर करते हैं दैट्स डाटा आपका हाउस नंबर नंबर डाटा कुछ भी हो सकता है जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था एंड डाटा रिलेशनल डाटा का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है टाइप्स ऑफ डाटा इधर बोल बोल के लिख के रखा मैं आप नोट कर सकते हैं उसको एज ए फ्रीज प्रोफेसर वैग्नर स्टूडेंट आप इसको नोट बना सकते हैं थ्री टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर वो हम आगे जाके पढ़ेंगे आप बेसिकली इतना आज पढ़ लीजिए व्हाट इज डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा डाटा टाइप्स ऑफ डाटा एंड व्हाट इज डेटाबेस एंड डाटा का फॉर्मेट क्या-क्या बेसिकली होता है इतना तो आगे भी है बहुत सारा मैं आपको बताऊंगा बेसिकली उतना आप लिख लीजिए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय